वहां पर मैं एक तालाब था उसके पगडंडी पे चढ़ गया, आगे पानी भरा हुआ था तो डर लग गया मुझे, मुझे लगा ना निकल पाए तो दिक्कत होगी, तो मैंने मड मोड इसका सेलेक्ट कर लिया। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में है किया सेल्टॉस 2023। और 2023 तक आते आते इस सेल्टॉस में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, यानी कि फीचर्स की बाढ़ आ गई है। डीजल में भी मिलती है, पेट्रोल में भी मिलती है, 5 ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं। और इस गाड़ी के बारे में आज मैं अपनी ओपिनियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जो कीमत है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, 10,89,000 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है और 20 लाख के अंदर अंदर सब कुछ कम्प्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस कीमत पर इसे किया ने भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस किया है। दिक्कत किसे होने वाली है, तो जो पहले से जमे हुए हैं, जैसे कि ह्यूंडई क्रेटा हो गया या फिर कुशाक हो गया, फॉक्सवैगन टाइगन हो गई, तो मिड साइज एसयूवीज में इन गाड़ियों को अब थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्टॉस में वो फीचर ऑफर किए गए हैं जो कि आपकी आंखें खोल देते हैं। तो क्या सच में इतनी कीमत पर ये जस्टिफाइड है, अपने फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है शेयर करने के इस सेल्टॉस का, जो मेरा फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है। तो ऑलरेडी पहले भी चला चुका था, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग सा फील लिया है या कोई अलग एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो अच्छी चीज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसमें जो मैं चला रहा हूँ ये 1.5 लीटर का इनका स्मार्ट स्ट्रीम टर्बो वाला जो इंजन नया वाला इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, वो चला रहा हूँ, जिसका 160 PS का पावर आउटपुट है और 253 Nm का टॉर्क है और ये काफ़ी धमाकेदार है। तो 0 to 100 की बात करेंगे तो फटाक से आ जाता है। और यहाँ पर जब आप चलाना शुरू करेंगे, जिसका पिकअप है वो आपको एकदम टॉप स्पीड की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता रहता है, और जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पर आप इसके साथ में और इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। तो स्पीड इतनी है कि इंडियन रोड कंडीशन का जो डिसिप्लिन बनाया गया है उस पर वो खरा नहीं उतरती है, मतलब इस गाड़ी के लिए उसे और चाहिए पराठा भरने के लिए। लेकिन आप 100 तक चलाइएगा, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है तो उस माइलेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है, हालांकि कोई माइलेज टेस्ट मैंने किया नहीं है इसके पहले जो जिक्र किया था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन इसमें क्या मिलेगा माइलेज, मुझे लगता है 12, 13, 14 का माइलेज आराम से मिल सकता है, ये मुझे लगता है, क्योंकि जो मुझे दिखा रहा है कि शूट कर रहा था तो 10.6 km/h तक का माइलेज मैं इसे अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि ये शूट कर रहा था बहुत टाइम में, गाड़ी खड़ी रही, तो उस पर मैं अभी कुछ भी क्लेम नहीं करने वाला हूँ। मौका नहीं मिला है कि मैं इसका माइलेज टेस्ट करके तुरंत आपको बताऊँ, जब मौका मिलेगा तो वहाँ पर टेस्ट करके जिक्र किया जाएगा। अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में जो आपको बात करनी, क्योंकि इसमें आपको 3 इंजन विकल्प मिलते हैं, जहाँ पर आपको इनका जो पहले से पेट्रोल इंजन आता था वो मिल गया, डीजल हो गया, और एक ये 1.5 लीटर का 160 PS वाला पावर आउटपुट वाला इंजन। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। एसी का भी जिक्र ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको जो कूलिंग मिलती है एसी वाली वो भी परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह की बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें और होती तो अच्छा लगता, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें होना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिलता है, तो आपको केबल के थ्रू ही कनेक्ट करना है। लेकिन सी टाइप चार्जिंग पोर्ट सामने मिल जाता है, यूएसबी टाइप मिल जाता है, तो चीज़ें ऐसी दी गई हैं जहां पर आप डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारे हैं, तो आपको सामान वामान रखना है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सामान रख सकते हैं। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, खास करके जो चला रहा हूँ इस पे, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे टेलीस्कोपिक दोनों की सुविधा इन्होंने दी है, तो सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप पूछेंगे कंफर्टेबल स्पीड कौन सी है जिस पे आप चलाना पसंद करेंगे, तो मेरा वही जवाब होगा 80 और 100, 80 से 100 के बीच में रखिएगा, आपके पास चालान भी नहीं आएगा। और ये गाड़ी बहुत साइलेंटली आगे बढ़ती हुई इंडिया के सारे जितने अच्छे रोड्स हैं उसका ट्रिप करवाते हुए आपको घर पहुँचा देगी। खास बनाती हैं इसे वो है इसमें दिए गए फीचर, तो अगर मैं फीचर का जिक्र करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस और कंफर्ट का जिक्र करूँगा तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि सेल्टॉस के कंफर्ट से कोई अभी आज तक परेशान नहीं था, और मुझे पक्का पता है जितने लोग सेल्टॉस चलाते हैं उनको इस गाड़ी के फ़ैन भी हैं। तो भैया यहाँ पर चीज़ें अच्छी अच्छी आई हैं, फीचर्स अच्छे अच्छे आए हैं, देख सकते हैं पैनारोमिक सनरूफ खुला हुआ है, और यहाँ पर आपको 17 ऑटोनोमस फीचर मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। कुछ हमने डेमोंस्ट्रेट भी किया है, जैसे कि अगर आप गाड़ी की रफ्तार 40-30-40 रखते हो, जा रहे हो, सडनली कोई रोड पार करने लगे तो गाड़ी अपने आप रुक जाती है। इसके अलावा सडनली आप कहीं खड़े हो, पीछे नहीं देखा,
इंडियन आदत होती है ना बहुत सारे लोगों की, और आपने गेट खोल दिया तो क्या हुआ कि ये आपको यहाँ पर एक दे देगा चेतावनी कि भैया आप गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो, दिक्कत हो सकती है। और साथ में आप कहीं खड़े हैं और आपने फटाक से कट किया आगे निकलने के लिए, जैसे कि अमूमन लोग बिना टर्न इंडिकेटर दिए करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर भी गाड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग के थ्रू आपको बचा लेती है, टकराने नहीं देती है। तो फीचर्स ऐसे ऐसे हैं जो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रासंगिक हैं, और आपको 100% इसके एडास फीचर जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। मैं रोड पर जब चल रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहा है और डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लेन की असिस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको आपका दिल जीतती रहती हैं। तो बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका जिक्र करना यहाँ पर बनता था क्योंकि ये फीचर्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं किया ने, और इस चीज़ का लोगों का इंतज़ार था। जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ हो गया तो अब इसमें आ गया है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किया ने आपकी मुराद पूरी कर दी है। ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे अगर इस गाड़ी की, तो यहाँ पर आपको केबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जब कोई सडनली जैसे एकदम तीखा कोई स्पीड ब्रेकर मिलता है तो वहाँ पर खट की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड ब्रेकर है और जेंटली आप पार कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलने वाला है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें आपको कुछ मोड भी मिल जाते हैं, जैसे ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चीज़ें चूज कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट मोड आप चाहें इस वाले वेरिएंट में मिलता है तो स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, जो आपको चलाना जहाँ पर वहाँ पर चले जाइए। ट्रैक्शन में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो ट्रैक्शन में आपको स्नो, मड और सैंड मिल जाता है। तो एक दो बार मुझे ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब मैं चलाती हुई पेंच पहुँचा जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर मैं एक तालाब था उसकी पगडंडी पर चढ़ गया, आगे पानी भरा हुआ था तो डर लग गया मुझे लगा ना निकल पाए तो दिक्कत होगी, तो मैंने मड मोड इसका सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं और बहुत काम के फीचर्स हैं, खास करके जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है पूरा का पूरा आपस में जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से काम करता है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब आप चल रहे होते हैं यहाँ पर व्यू दबा दीजिए तो DRBM बोलते हैं ना उसे, तो पीछे का व्यू दिखाने लगता है और इतनी अच्छी क्वालिटी, मन करता है कि काश ये कहीं पर रिकॉर्ड होता हो ना तो इसे रख लें और इसी का फुटेज यूज़ कर लें, तो इतना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, छोटे छोटे फीचर्स से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, वो भी दिल जीतता है कहीं ना कहीं से और अच्छा भी लगता है। और साथ में यहाँ पर जो और फीचर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे दिया है, तो आराम से आप चलाते रहिए, गर्मी का मौसम है तो उसे इंजॉय करते चले जाइए। जिक्र ज़रूरी है इसके वाइपर्स का भी, क्योंकि बाहर जहाँ पर आया हूँ मैं, यहाँ पर बारिश हो रही थी तगड़ी, तो इसका ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर बढ़िया काम करता है, जितनी तेज़ बरसात होगी उतने तेज़ से वाइपर चलना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर, कुल मिलाकर इस गाड़ी को बहुत अच्छा बनाती हैं। साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि इसमें बोस के जो साउंड सिस्टम दिए गए हैं क्वालिटी लाजवाब देती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर सुन के ज़रूर जाइएगा, वो अच्छा लगने वाला है। तो जो बदलाव किए गए हैं, जो चीज़ें इसमें की गई हैं, वो कहीं ना कहीं से इसको बहुत अच्छा बनाती हैं। रियर सीट पर मैंने देखा वहाँ पर भी अच्छी जगह मिल जाती है। अगर आप बूट की बात करेंगे तो बूट में भी काफ़ी सामान रखने की जगह है, आराम से अपना लॉन्ग ट्रिप मना के वीकेंड आप मनाकर आ सकते हैं। 60-40 की रेशियो में सीट फोल्ड हो जाती है, तो बड़े आराम से इसमें आप वो भी चीज़ें कर सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं, दो लोग बैठने वाले हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चीज़ों में कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने और इस गाड़ी को इतना अच्छा बनाया है जहाँ पर आपको 100% मज़ा आने वाला है। और जब आप चल रहे होते हैं, वो हाईवे पर होते हैं, ओवरटेक कर रहे होते हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, तो बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में ओवरटेक करा देती है। अब आप सोच रहे होंगे सिटी में ड्राइविंग कैसा है इसका, तो मैं तो भैया ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन चला रहा हूँ तो इस DCT के सहारे तो मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को माइलेज नहीं मिलता है, कंसर्न रहता है, पर मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा आराम से बिहेवियर अपना दिखाएंगे, सज्जनता से पेश आएंगे, तो ये गाड़ी बढ़िया माइलेज भी दे सकती है कोई भी आप ट्रांसमिशन के, क्योंकि इसमें आपको 6 विकल्प मिलते हैं ट्रांसमिशन के, तो IMT वगैरह हो गया, जो मर्जी चुन लीजिए। सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन का विकल्प जो कंपनियां दे रही हैं, ऑफर कर रही हैं, उसमें आपको किया और ह्युंडई सबसे ऊपर मिलने वाली है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना विकल्प इन्होंने दे दिया है कि आप किया सेल्टॉस खरीदने जाओगे तो इसी में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और किसी गाड़ी से कन्फ्यूजन करने की या कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी कई बार कंपनियों के फेवर में ही जाता है, जब आप बहुत सारे विकल्प के सहारे बाज़ार में अवेलेबल होते हो तो लोग आपको कंफ्यूज होकर, आप में ही कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं जाते हैं। तो मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी है। लाइट वगैरह अगर बाहर के रोड प्रेजेंस की अगर बात करेंगे, गाड़ी सच में डिसअपॉइंट नहीं करती है, ब्रेकिंग बाइट्स बहुत सॉलिड आते हैं, तो सर अगर आप 100 की स्पीड पे हो, ब्रेक कर रहे हो तो रुक जाती है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और जो इसका टायर का, क्योंकि मैं एक जगह से, जैसे आप इसे चला रहे हैं नॉर्मली और एक्सेलरेट करते हैं हल्का सा, तो
पीछे से स्पिन करते हुए, ऐसा लगता है जैसे एकदम पराठा भरने के लिए पूरी गाड़ी तैयार है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर रेसिंग का इंजेक्शन लगाती रहेंगी, भैया आप जो है तैयार रहिए, आप रेसिंग करके आइए। पर यहाँ पर सवाल उठता है, रेसिंग करोगे कहाँ? तो उसके लिए जाना पड़ेगा रेस ट्रैक, और आम सड़क पर आप चलाओगे तो इसका परफॉर्मेंस इतना है कि कभी परफॉर्मेंस की तो शिकायत आप इस गाड़ी से नहीं करने वाले हो। मुझे लगता है कि जो चीज़ चाहिए थी, जो जहाँ से शुरुआत की थी, उस शुरुआत के तहत जो दूसरा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव, इसे लोग 100% पसंद करेंगे। और जिन्हें मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कुछ अलग चाहिए, उन्हें एक क्रेटा 100% पसंद आने वाली है, क्योंकि जो सेगमेंट लीडिंग फीचर्स कई सारे उन्होंने दिए हैं वो अच्छे हैं, और जो अडास के ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं वो बड़े काम के हैं, और उसे आप 100% एक्सपीरियंस करेंगे जब इसके साथ ना, तो आपको मज़ा आने वाला है। जो मुझे माइलेज दिखा रहा है, चलते चलते फिर से बता देता हूँ, जो मुझे माइलेज यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है 10.4 kmpl का माइलेज दिखा रही है। डिपेंड करता है माइलेज जैसा आप चलाएंगे वैसा पाएंगे, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ अच्छा रहा। इस सीट से मैं बहुत अच्छा बोलूँगा इसे, रियर सीट पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ बैठ के देखा है। तो कभी मौका मिलेगा तो जब अगर कभी बैठूंगा लंबा चलाऊंगा तो उसका भी जिक्र किया जाएगा। तो भैया इन सारी चीज़ों के साथ में अब कुछ बातें और करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए नहीं, कहीं और बैठते हैं। कंपटीशन में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कि कंपटीशन अपने लिए ही क्रिएट कर दो, तो आप कंपटीशन में बड़े अच्छे से बने रहोगे और कंपटीशन जो दे रहा होगा वो शांत पड़ जाएगा। और कुछ ऐसा ही किया है किया ने सेल्टॉस के साथ में। इसमें आपको जो बहुत सारे वेरिएंट के विकल्प मिलते हैं, जैसे कि शुरू करते हैं जीटी लाइन, एक्स लाइन, टेक लाइन, तो आपको जो चाहिए वो चूज करिए, और जितने ट्रांसमिशन के तरीके हो सकते हैं सब कुछ ऑफर कर दिया है सेल्टॉस में किया ने। और आपको इंजन के भी तीन विकल्प मिलते हैं, तो डीजल भी यहाँ पर मिल जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस इसके इस टर्बो इंजन के साथ में था, जो 160 PS का पावर आउटपुट देता है, मैं सच बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पर आपको कंफर्ट भी मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, और बहुत सारे टेक फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ पर सेफ्टी की जब बात की जाती है तो एडास के 17 ऑटोनोमस फीचर आपको काफ़ी आगे खड़ा कर देते हैं, और अच्छा लगता है इसे चलाने में। तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो चेंज हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।